मुझे 4-5 साल से ये डकारे और गर्द की प्रॉब्लम है। ऑपरेशन के बाद मैं चल फिर रहा हूँ। खाना भी खाया, लिक्विड थोड़ा ठोस खाना भी खाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पिछले 5 साल से मैं ये प्रॉब्लम झेल रहा था, लेकिन 2 दिन में ये प्रॉब्लम मुझे लगता है मेरी चली गई है। ऑपरेशन करने के बाद 2 साल हो गए हैं। मुझे अब एसिड रिफ्लक्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पूरा एंटासिड बंद हो गया है, कोई भी दवाई नहीं लेता और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, नमस्ते। मैं महाराष्ट्र सोलापुर जिले से आकुलू से आया हूँ यहाँ। मुझे 4 से 5 सालों से ये डकारों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ये दिक्कत डकारों के साथ शुरू हुई और 4-3 साल तक डकारे आती थी, लेकिन अब पिछले 2 सालों से डकारों के साथ खाना ऐसे मुंह में आ रहा था मेरा, और मुझे नींद भी नहीं आती थी रात को। अब बहुत सारे डकारे और खाना भी मेरा कम हो गया था, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था मैं, तो मैं बहुत परेशान था। तो मैंने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल डॉक्टर्स थे तो ये प्रॉब्लम किसी को डिटेक्ट नहीं हो रही थी, बहुत परेशान था। तो ऐसे ही एक बार यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा था तो ये चिराग ठक्कर जी सर का वीडियो मुझे दिखाई पड़ा। तो बहुत सारे ये गढ़ वाले जो डकारे और ये खाना मुंह में आना, ऐसे जो पेशेंट थे उनके अच्छे रिव्यू मैंने देखे, जो ठीक हुए थे लोग, तो वो देख के मैं यहाँ आया हूँ। कल मैं यहाँ आया था। आने के बाद सर ने मुझे ये मेनोमेट्री और पीएच स्टडी की जांच कराई है 24 घंटों के लिए, और कल से आज तक ये नली मेरे नाक में से डाली हुई है, और कल से ये मेरे साथ ही है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कल से खाया पिया ठीक से सोया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं सर क्या बोलते हैं, बाद में मैं आपको बताता हूँ। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम नागनाथ काले है, मैं सोलापुर से हूँ, महाराष्ट्र से। 2 दिन पहले मेरा पीएच स्टडी और मेनोमेट्री टेस्ट हुआ था, और वो टेस्ट के बाद मुझे चिराग सर ने ऑपरेशन का सलाह दिया। ऑपरेशन ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ऐसा बताया। मैं भी तैयार हो गया। तो 2 दिन मेनोमेट्री की वो ट्यूब मेरे नाक से पेट तक थी, कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे, बहुत अच्छे से मैं खाया पिया सोया। फिर बाद में कल मेरा ऑपरेशन हुआ है 5 बजे, और ऑपरेशन के बाद थोड़ा लिक्विड लिया, थोड़ा ठोस खाना भी खाया हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे डकारों की बहुत प्रॉब्लम थी, डकार भी मेरी कम हो गई है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को ये प्रॉब्लम है तो डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 5 साल से मैं ये प्रॉब्लम झेल रहा था, लेकिन 2 दिन में ये प्रॉब्लम मुझे लगता है मेरी चली गई है। तो डरे मत, सर से मिले और अपना इलाज करवा के। मेरा नाम नागनाथ काले है, मेरा एज 41 साल का है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 दिन पहले मेरा सर्जरी हुआ है, और सर्जरी के बाद आज दूसरे दिन मैं फॉलोअप के लिए सर के पास आया हूँ। इस 2 दिन में मैं घूमा फिरा, खाया पिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरी डकार जो आती थी, डकार भी बंद हो गई है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आज मेरी ट्रेन है, और सर को फॉलोअप दिखा के मैं ट्रेन से अब वापस घर महाराष्ट्र जा रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम नागनाथ काले, मैं महाराष्ट्र से हूँ। 2 साल पहले मेरा एसिड रिफ्लक्स का यहाँ ऑपरेशन हुआ था एड्रॉइड सेंटर में। तो मुझे एसिड रिफ्लक्स का बहुत प्रॉब्लम था पहले। ऑपरेशन करने के बाद 2 साल हो गए हैं। मुझे अब एसिड रिफ्लक्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पूरा एंटासिड बंद हो गया है, कोई भी दवाई नहीं लेता और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मेरा रोज का कामकाज ठीक से कर पा रहा हूँ, और मुझे खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब कुछ खा पी रहा हूँ।
और जिनको भी ये एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है उनको ऑपरेशन से डरने की जरूरत नहीं है।